अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आर न्यू यूट्यूब वीडियो। और मेरी बहुत ही ज़्यादा स्लो वीडियो आती हैं। खैर एनीवे, मैं अपने आप को थोड़े सुधारूंगी, फिर आप लोग देखिएगा कि रोज़ वीडियो आएंगी इंशाल्लाह। अभी कंटेंट आगे बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा मेरी वीडियो को। बस अभी मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करना भूल जाते हैं, इस वजह से मैं याद दिलवा रही हूँ। और यहाँ किचन का काम कर रही हैं बहन, क्योंकि बहन और यहाँ बन रही है बिरयानी असेंबल हो गई, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती और रेसिपी भी देती, बट रेसिपी में मैं ना बिज़ी थी, काम वगैरह कर रही थी। साफ़ सफ़ाई का काम मेरा होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो बस यहाँ किचन में भी काफ़ी मैस फैल चुका है, और यहाँ बन रही है चाय, और किचन की साफ़ सफ़ाई भी अभी मुझे करनी है। और बहन भी आ रही थी आज घर पर खाने पर, तो हमने कहा कोई इंतज़ाम कर लें, और नाश्ता भी आ चुका था, बस लाइट का वेट हो रहा था। और लाइट आ गई, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, लाइट बहुत ज़्यादा जाने लग गई, और लाइट की वजह से ही बहुत परेशानी रहती है। UPS का भी इंतज़ाम कर ही रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बारिश तो होके ही नहीं दे रही है। पता नहीं बारिश को अब कैसे क्या हुआ है। खैर ये कराची में ही नहीं हो रही, कराची में हो रही है और शहरों में हो रही है, इलाकों में हो रही है, बट हमारी तरफ अभी तक इस तरह ही हुई है, बस थोड़ी थोड़ी बूंदे पानी। तो बस यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही है, कुछ है ना रोल वगैरह हैं, आप लोग जैसे के देख रहे हैं, ये थोड़ा रिफ्रेशिंग के लिए सामान मंगा लिया और चाय बना ली। चाय तो मस्त है, शाम में हम लोगों की शाम का चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। शाम में पता नहीं कभी कभार क्या बोल देती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। खैर एनीवे, आप लोग समझ ही गए होंगे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब करे बगैर आप लोग वीडियो देख कर चले जाते हैं। खैर यहाँ बहन आ चुकी थी और ये बैठी हुई अम्मी से बातें कर रही थी, क्योंकि अम्मी की थोड़ी बहुत कब तबीयत सही नहीं थी, तो अम्मी लेट कर बातें कर रही थी और मैं भी बातें सुन रही थी, तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया। बस यहाँ खाना लग चुका है और मैं भी वो बैठ रही थी, क्योंकि मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था, वो नाश्ता भी नहीं करा था, बस मैंने चाय पी थी और मेरा कुछ दिल नहीं करा गर्मी की वजह से ना, तो बस अब मैं खाने बैठती हूँ। मास्क को तो देखो, मास्क सही से निकालो, क्या हो गया, क्या इतना सा क्या निकालो, क्यों मिर्चे लग रही है, मिर्चे बिरयानी यशवा आपको लग रही है मिर्चे, अच्छा जबान निकाल ली और बोलनी नहीं, चलो माज रायता खा रहे हैं। और बस यहाँ मेरे प्लेट बना ली, खाने में तो बोटियाँ थी और मीठे में आम था और बिरयानी थी, और बिरयानी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की थी। तो बस यहाँ मेरी छोटी सी प्लेट बन गई, प्लेट मेरी इतनी खास नहीं होती, सिर्फ राइस होते हैं ज़्यादातर। और यहाँ मैं अपने दीदी से बातें कर रही थी, मैंने कहा आप बताओ कि मैं कभी बिरयानी बना पाऊँगी, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर अच्छी बनाओगी जब भी बनाओगी। मैंने कहा क्यों आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा आपने गोलगप्पे बनाए थे वो बहुत अभी तक के थे तो उनको याद रहा, ये बहुत बड़ी बात है। लड़कों मुझे तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा, और लड़कियों को तो यही चीज़ें चाहिए होती हैं, पका के कुछ रखो तो तारीफ़ मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। खैर और यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था, और बहन फिर चले गई थी, और फिर नेक्स्ट डे की वीडियो है ये। और फिर हम शॉपिंग करके आए थे, कुछ चीज़ों की नीड भी थी और कुछ चीज़ें पिकनिक के लिए चाहिए थी हमें। तो बस मैं आपको बारी बारी करके सामान दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ ये बैग, मैं अपने लिए बैग लाई हूँ, क्योंकि ईद से पहले की लेने की कर रही थी, पर कोई वैरायटी अच्छी नहीं आई हुई थी, पर अब मुझे अच्छा बैग दिखा तो मैंने झट करके ले लिया, और मुझे बहुत ही प्यारा और क्यूट सा लगा। इसको आप इसी तरह कैरी भी कर सकते हैं, डबल चेन में भी कैरी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा था और रिजनेबल प्राइस में मिल गया था मुझे। जो आजकल कस्टमाइज बन रहे ना, मुझे वो बैग भी बहुत पसंद है, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वो मैं नहीं ले सकती ऑब्वियसली बात है। तो अब मैं यहाँ आपको स्लीपर दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, पर इसमें मेरा साइज नहीं ही था, तो फिर मैंने कहा चलो तुम ले लो, बहन ने बोला चलो मैं ले लेती हूँ अभी, बाद में तुम ले लेना, तो जब भी हम जाएंगे मार्केट तो देख लेंगे ऐसी मिल जाए तो। खैर और ये बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे देखने के साथ, बहन ने मेरी चॉइस की ली है। और ये ग्लासेस तो मस्त है पिकनिक पर जाने के लिए, क्योंकि हमेशा लोग टूट ही जाता है या कुछ हो जाता है। खैर ये ग्लासेस है इस तरह का ब्राउन टाइप, और ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कैचर हो गई घर में यूज़ के लिए, और रिंग्स वगैरह क्लिप वगैरह ये हो गया, हेयरबैंड वगैरह, तो बस ये ली थी। और ये क्यूट से लबर बैंड लिए थे फंकी सा हेयर स्टाइल करने के लिए, क्योंकि पिकनिक पर कुछ न्यू हेयर स्टाइल करो पिकनिक टाइप जैसा, तो घर में तो जो बनाते रहते हैं वो तो अलग ही होता है, पर पिकनिक पर अलग ही हेयर स्टाइल के लिए मैंने कहा चलो ये लबर बैंड भी ले लेते हैं और यूज़ कर लेंगे। मेरे तो छोटे बाल हैं तो ज़्यादा लंबे बाल नहीं हैं, मेरी बहन के हैं माशाल्लाह अच्छे बाल, तो वही
लगा लेंगी। घर पे आके हमने हेयर स्टाइलिंग भी ट्राई की थी खैर एनीवे। और यहाँ ये मैं लाई हूँ अपनी कज़न के लिए कुर्ती, उन्होंने मंगवाई थी मुझे पिकनिक के लिए। खैर अब देखते हैं उनको पसंद आती है या नहीं। खैर हमारी पसंद तो ऐसी है, सबको हमारी किटिंग पसंद आती है, जो हम वेयर करते हैं सबको अच्छा लगता है। और ये व्लॉग जो जा रहा है सब पहले ही हमारी शॉपिंग वगैरह देख लेंगे और देख भी लेंगे और ये भी देख लेंगे कि ये पिकनिक पर क्या पहन के आ रही है भाई। खैर एनीवे जब तक हम पिकनिक पर जाएंगे ये व्लॉग डल चुका होगा, उससे पहले ही डल चुका होगा। और यहाँ ये देखें इसका बेल्ट भी लगता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कुर्ती। खैर इसको पिकनिक पर भी वेयर कर सकते हैं और घर में भी वेयर कर सकते हैं, कोई इतनी वैसी नहीं है। टाइज पे भी ले पहन सकते हैं इसको और पैंट पे भी पहन सकते हैं। और ये दो कैप थे पिकनिक के लिए, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और ऐसी चीज़ें तो पिकनिक पे चलती हैं लाजमी, तो मैं ऐसी चीज़ें कहीं भी मिलती हैं ना मुझे तो मैं ले लेती हूँ, मुझे पसंद आ जाती हैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। खैर और ये ले लिए मैंने और दोनों ही अच्छे हैं, मुझे बड़ा वाला ज़्यादा अच्छा है तो वो मैं लगा लूँगी और छोटा वाला बहन को दे दूँगी। ये खैर और उसके साथ पता नहीं ये क्यों दिया है माला टाइप ना, मुझे तो अजीब सा ही लग रहा है। खैर इसको लगाऊंगी नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाती थी कि ऐसे तरह के इसको लगाकर भी पहन सकते हैं, पर मैं ये लगाऊंगी नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी चीज़ें छोटा सा शॉपिंग हॉल पिकनिक शॉपिंग हॉल पसंद आया होगा, तो भाई की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बस जल्दी जल्दी ये समेटती हूँ और बहुत ज़्यादा मैस फैल चुका है और ये समेटने के बाद थोड़ी भूख भी लग रही है, कुछ खाते हैं पीते हैं और वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आगे से आगे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चले मैं 1-3 तक काउंट कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी लाइक करते हैं। 1-2-3 अब तो सबने कर दिया होगा, उम्मीद है सबने कर दिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।